कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। गाइस ये डॉगी है ना जो ये वाइट आएगी कब जाके हम तो रेडी हो चुका है ये अब जाके मैंने हे यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप सब लोग आशा करती हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे तो मैं भी एकदम मस्त हूँ और आज मैं मॉर्निंग से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह के बजे हैं अभी 7:30 और मैं उठी थी 6:30 और अभी मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया उसके बाद मैं अभी बना रही हूँ हर्षित के लिए नाश्ता हर्षित के लिए नाश्ता बना रही हूँ और अभी मैंने अपने लिए पानी लगा रखा है नहाने के लिए उसको उठाऊंगी हर्षित को उठने में जो नखरे करता है। तो मुझे अनिरुद्धाचार्य जी की कथा सुनना बहुत पसंद है मैं सुबह उठते ही लगा देती हूँ और जब तक मैं नहाना धोना काम निपटाती हूँ तो चलता रहता है ये और मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर मुझे अभी नाश्ता भी बनाना है स्कूल के लिए रेडी करना है हर्षित को खुद भी नहाना है तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। देखो हर्षित हर्ष बाबू हेलो उठो गुड मॉर्निंग स्कूल नहीं जाना खड़ा हो जाओ स्कूल के नाम से कभी उठना नहीं है हर्षित को खड़ो खड़ो जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन वो 6:00 उठ के बैठ जाएगा और अब देखो स्कूल के लिए इसको उठा उठा के मैं थक जाती हूँ क्या करूँ मैं खड़े हो जाओ चलो चलो खड़े हो जाओ गुड बॉय हर्षित तो बहुत अच्छा लड़का है अभी उठ जाएगा तो अभी उठाती हूँ मैं हर्षित को पहले नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। तो गाइज मैंने नाश्ता बना दिया है रोटी बना दी है सब्जी बना दी है और ये लास्ट की रोटी पता नहीं क्यों मेरी इतनी मोटी बन जाती है लास्ट की रोटी हमेशा मेरी मोटी ही बनती है। तो चलिए फिर अब हर्षित अभी तक उठा नहीं है मैं उसको उठाने जा रही हूँ और उसके बाद मुझे नहाना है फिर आज मुझे लग रहा है लेट हो जाएंगे स्कूल के लिए क्योंकि 8 बजने वाला है 1 घंटे में मुझे सब कुछ करना है नहाना धोना उसको रेडी करना है। तो चलिए फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ आपको। ये गाइस मैं इसको 2 बार उठा चुकी हूँ और अब इसकी लगाऊंगी पिटाई के बिना ये उठता नहीं है क्योंकि जल्दी उठो बेटा 8 बज गया है स्कूल भी जाना है अभी टाइम होने वाला है खड़ा हो जल्दी चलो। और देखिए कल चोट लग गई हर्षित को दिखाना दिखाना बाबू दिखाना अपना मूठ ये देखिए कल चोट लग गई हर्षित को तो फ्रेंड्स देखिए हर्षित यहाँ पे लग गई है चोट क्योंकि परसों वो किचन में मेरे साथ काम क्या कर रहा था खड़ा था मैं खाना बना रही थी और जैसे नीचे को झुका तो फट से किचन के स्लेब पे इसका चोट। तो गाइस इसका सुबह सुबह उठ के रोना धोना स्टार्ट हो जाता है तो देखिए कैसे रो रहा है ये इसको बहाने देखो इसके पर ठंड लग रही है। नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैंने नहाना धोना कर लिया है लेकिन पूजा नहीं करी है क्योंकि लेट हो गया 8:30 हो गया है मुझे हर्षित भी रेडी हो चुका है बस जूते वूते पहनाने हैं और फिर मुझे जाना है दूध लेने और वहीं से मैं दूध लेने जाऊँगी। तो मेरा दिन भर का बस 9-10 बजे तक मेरा बहुत काम हो जाता है सुबह सुबह बहुत भागा दौड़ी हो जाती है। तो अभी जूते पहनाऊंगी हर्षित को और फिर चलेंगे हर्षित के स्कूल तो प्लीज़ बने रहना मेरे वीडियोस पे अभी बताती हूँ। हर्षित भी अभी रेडी हो चुका है और अब पहनेगा जूते उसके बाद हम जाएंगे स्कूल और तो चलिए बने रहना फिर मेरे वीडियोज़ पे आगे दिखाऊंगी आपको मैं जो जो करूंगी आज घर में। आज मैं सोच रही हूँ मैं आज पूरा दिन दिखाती हूँ आपको क्या क्या करती हूँ तो इसी बहाने वीडियो भी बन जाएगा। गाइस ये डॉगी है ना जो ये वाइट वाला ये हमारे पीछे पीछे हमेशा आता है आजा ले आजा इसको बहुत साल हो गए हैं मैं देखते देखते तीन साल हो गए तो तब से पता नहीं क्या है हमारे पीछे पीछे आता है फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। नमस्ते अंकल ये किस चीज के पाइप है भैया अच्छा तो देखिए गाइस ये है पानी के पाइप यहाँ पे सरकारी पाइप लग रहे हैं पानी के देखो कितने सारे आ रखे हैं।
गाइस मैं आ चुकी हूँ हर सब कुछ होके, अब मैं जा रही हूँ दूध ले। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ दूध लेके और हमारे सामने बन रहा है देखो मकान। तो गाइस अभी हो चुकी है पूजा और अब मैं बना रही हूँ, अब कर रही हूँ नाश्ता। बना तो दिया है पर गर्म कर रही हूँ सब्जी और अब मैं करूँगी नाश्ता। और ये अचार मैंने कल परसों बनाया था, मैं दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छा है, मुझे बाहर के अचार से अच्छा लगता है घर का अचार। देखिए हर्षित अभी स्कूल से आया है और मैं बना रही हूँ खाना, दिखाती हूँ आपको। ये है आलू की खिचौनी और ये बन रहा है भात। और अभी हम अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज गया है, मैं स्कूल गई थी इसको लेने, हर्षित को अभी लेके आई हूँ स्कूल से। और तो गाइस खाना वाना बन चुका है और अब हम खाएंगे खाना। चलो हर्षित आओ बेटा, आओ आओ नीचे आओ। और देखो खाने के साथ कौन अमरूद खाता है ये बताओ पहले, अमरूद कौन खाता है खाने के साथ? खाना खाओ बेटा, ये खाना खाने में बहुत आनाकानी करता है ये लड़का। तो चलिए तो गाइस खाना वाना हमने खा लिया है और अभी है बारी बर्तनों की, तो चलो धोती हूँ। देखा गाइस चुटकी बजाते ही मेरे बर्तन धुल चुके हैं। तो चलिए फिर अभी ये है माल्टे, ये बहुत दिन से ऐसे ही पड़े हैं, सोच रही इनको काट के खा ही लेते नहीं तो खराब हो जाएंगे। और देखिए आधे तो ये खराब हो ही चुके हैं, तो चलो काटती हूँ फिर इनको। तो रेडी हो चुका है ये माल्टा और ये आया था पहाड़ से, मेरी एक फ्रेंड ने दिया था। और देखो इतना ख़राब हो गया, 3-4 दिन हो गए थे ना तब से पड़ा था, तो पन्नी के अंदर ख़राब हो गया पॉलीथिन में। और अब मैं इसमें डालूंगी हल्का सा काला नमक और फिर खाएंगे इसको, बहुत टेस्टी होता है पहाड़ी माल्टा और इसमें रस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका फेवरेट कार्टून है ये मोगली, और इसको बहुत ज्यादा देखता है हर्षित मोगली को। ये देखिए किस किस के बच्चे मोगली को देखते हैं कमेंट में बताना। वैसे काफी अच्छा लगता है मुझे भी, जैसे कभी बैठती हूँ तो मैं भी देखने लग जाती हूँ इसको, अच्छा लगता है। ये बहुत पुराना सीरियल है, बहुत पुराना कार्टून है। क्यों अर्षित, इसको बहुत मजा आता है उसको देखने में। तो अभी सारा माल्टा हो चुका है फिनिश, तो चलो इसको रखते हैं किचन में और अब करते हैं थोड़ी देर आराम और फिर स्कूल ट्यूशन का टाइम हो जाएगा हर्षित का 4 बजे और 3 तो बज ही गया है, तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। आ गए, नमस्ते बुबू, नमस्ते। हो गया टाइम, आ जा अर्षित। सही बात है, हाँ होली भी अच्छी के आगे, हाँ वो कभी हर जगह से जमीन पर देखते रहते कब वो होली आएगी कब जाके हम देखूंगा। हाँ जो और साले जो कहते हैं वो मुंह से आगे पत्नी क्या होली उन्हें लगाए कोई समझ नहीं आती। सही बात है, सही बात है, उन्हें लगाना चाहिए जो सबकी समझ में आए, समझ में आए वही तो। ये ठीक है, जाओ जाओ हर्षित बाय। ये है मयंक के दादाजी और बूबू पहले की बातें बता रहे थे कि होली गांव में कैसे खेलते थे और मतलब सब लोग मिल के कहाँ कैसे जाते थे गांव-गांव में हम लोग होली खेलने, और यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलता होली की अब कब है क्या है कैसी है ऐसे बोल रहे थे। अब हर्षित लोग चले गए हैं ट्यूशन और धूप देखो भी कितनी तेज़ हो रही है, और मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत क्यारी में कुछ काम कर लेती हूँ, क्या करूँ चलो देखती हूँ। गाइस थक चुकी हूँ मैं दिखाती हूँ क्या क्या किया मैंने।
और गाइस मैंने ये प्याज लगाए थे और प्याज की गुड़ाई करी मैंने, और थोड़ा बहुत पीछे को धनिया था, धनिया भी गुड़ाई करी, और थोड़ा खोदने का काम भी रह गया था पीछे की इस साइड को, तो मैंने पूरा इसको खोदा है। और इसमें मैं बोऊंगी भिंडी वगैरह। आप लोगों को मैं अपनी वीडियो में कुछ दिखा नहीं पाई, इतना ही दिखा पाई। तो फ्रेंड्स मैं क्यारियों से काम करके अभी आ चुकी हूँ हर्षित को ट्यूशन लेने, और मैंने हाथ तक नहीं धोए क्योंकि टाइम हो गया था, इसीलिए मुझे अब जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ ट्यूशन, तो चलिए दिखाती हूँ आपको। तो गाइस देखिए रोड में ये सरकारी नल, वो मतलब सरकारी पानी के पाइप बिछ रहे हैं, और पूरा देखिए पूरी रोड खुदती जा रही है, जेसीपी आगे लगा है, मिट्टी भर रहा है अभी। तो आ गए हम हर्षित के ट्यूशन में, और अभी बच्चों को लाती हूँ मैं, बहुत लेट हो गया है, 4 से 5, 5:30 तक का टाइम था और मैं 6 बजे आ रही हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। हेलो, छुट्टी हो गई? दोनों के दोनों आ चुके हैं स्कूल से, मयंक और हर्षित। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।